क्या कर रहे हो कुकु? पता है ना कबूतर होता है, आउल, आउल तो ना पता है ना, उल्लू होता है, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच क्या होता है? ऑस्ट्रिच मुझे नहीं पता एक्चुअली। पानी कीवी कुकु क्या कर रहे थे आप? बच्चे इनको पढ़ा रहे थे टफी पुसी को? पूछिए क्या कर लेते हैं, कुछ आती है आपको? पढ़ा रही थी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, इसमें क्या क्या पढ़ना है? चलिए चलते हो, मैं पढ़ लेती हूँ। पिजियन, आउल, ऑस्ट्रिच, कीवी, पीकॉक, पेंगुइन। चल बहन, अब मैं चलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम सब आप सबका स्वागत करते हैं हमारे अपने चैनल बीपी फैमिली व्लॉग में। सो अभी सुबह की शुरुआत तो हो गई थी, सुबह 5 बजे से उठ गई थी मैं, और उठ के कल तो खाना बनाया राहुल जी के लिए, राहुल जी ने जाना था, बट आज थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब हो गई सुबह, तो इस वजह से उन्होंने आज जाना कैंसिल कर दिया, नहीं गए वो। सो आज काम तो मेरा सारा हो गया था, सुबह ही हो गया था, मैं सारा काम मतलब 7:30 बजे से मैं सारा काम करके, और उस टाइम ना कुकू उठ गई थी 7:30 बजे, बस बर्तन रहते थे, बट कुकू उठ गई, तो इस वजह से कुकू के उठने की वजह से ना मैं वो नहीं कर पाई, बर्तन नहीं धो पाई, तो कुकू को सुलाते सुलाते कुकू को सुलाते सुलाते मैं भी किस टाइम उसके साथ सो गई पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद उठी थी मैं 8:30 बजे से। इनके ड्रामे नहीं ख़त्म होते दोनों के। तो 8:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने वो जो कपड़े थे, कपड़े धोए थे परसों, कल परसों धोए थे, तो मैंने कपड़े क्यों फाड़ रहे हो कुकु? नहीं ये देखो देखो, तो मैं अभी कर रही थी कपड़ों की तय, तो ये बच्चे बाहर आके बैठ गए, तो इसलिए मैं भी इनके साथ ही बैठ गई आके। मेन कुकू, कुकू कर क्या, कुकू पता क्या कर रही थी? कुकू इन टफी पुसी को यहाँ बिठा के और पढ़ा रही थी। नहीं मारो नहीं। फ्रेंड्स अभी मैं तो कर रही हूँ कपड़ों की तय, ये बहुत सारे कपड़े धोए थे ना, तो ये रखे हुए इनकी तय कर रही हूँ, और गन्नू और कुकू बैठे हैं बाहर धूप में, मम्मी पापा भी आ गया ऊपर से, तो हम भी थोड़ी देर में बाहर चलेंगे, पर पहले इन कपड़ों की तय करने के बाद फिर चलेंगे बाहर। और राहुल जी सो रहे हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह, उठ तो गए थे वो जाने के लिए, रेडी हो गए थे, बट एकदम से बहुत तेज़ पता नहीं कैसे बेचैनी सी बन गई, और फिर कल ना बहुत ज़्यादा थक गए थे, काफ़ी टाइम बाद सुबह सुबह निकले थे ना इस वजह से, तो इसलिए वो अभी तो रहे हैं सो, रेस्ट कर रहे हैं, तो जब उठेंगे तो उनके लिए बनाएंगे चाय। अभी फ़िलहाल मैं कपड़े तय कर लेती हूँ फटाफट से। अब मेरा हो गया है, मैंने कर दिए सारे कपड़े तय, उनको लगा भी दिए, और उन्होंने यहाँ पे चादर वगैरह नहीं बिछाई है आज, क्योंकि यहाँ पे वो मुझे ना ये कवर जो है धोने हैं, तो आज मैं धो नहीं पाई, आज मैंने मशीन लगाई नहीं, आज है वीरवार, तो वीरवार को कपड़े नहीं धोते ना हमारे में, तो इसलिए मैंने ना मशीन नहीं लगाई है। मैं कल इनको ना आज उतार दूँगी और फिर कल मशीन लगाऊँगी, ये और वो मतलब ये कवर और वो कंबल है एक, और ये सब ना मैं कल धो दूँगी सुबह सुबह ही। तो अब चलते हैं, अब राहुल जी उठते हैं, उनकी तबीयत पूछते हैं, और उनकी तबीयत पूछते हैं और उनके लिए बनाते हैं चाय साथ साथ में, हम सब के लिए भी, और बाहर सब बैठे हैं धूप में। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, और मैंने बच्चों को भी नहला दिया और मैं भी नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, और अब गन्नू तो कर रही है अपनी स्टडी, क्योंकि इसने अभी ट्यूशन में इसका टेस्ट है, तो वो इसने टेस्ट देना है आज इसका 14 के टेबल का, सो इसलिए ये स्टडी कर रही है, और बाकी ये सब बाहर बैठे हुए हैं। और अब करेंगे थोड़ा रात के खाने की तैयारी, सो थोड़ी देर में मिलते हैं आप सबसे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रही है शाम की चाय, तो अभी चाय बनाकर और फिर जाएंगे ऊपर खाना बनाने, और ये चाय के साथ साथ मैंने एक साइड में दूध भी चढ़ा रखा है। और फ्रेंड्स चाय चढ़ाने के साथ साथ मैं यहाँ पे कर रही हूँ चक्की साफ़, क्योंकि हमने गेहूँ पीसे थे 2-3 दिन पहले,
तो गेहूँ पीसने के बाद है ना ये चक्की मतलब उसी टाइम साफ़ नहीं हो पाती है, क्योंकि उसी टाइम ना ये बहुत गर्म होती है, तो उसके अगले दिन ही ये साफ़ हो सकती है। तो इसलिए मैंने उस दिन जिस दिन गेहूँ पीसे थे उस दिन तो मैंने करी नहीं है, उसके अगले दिन भी कुछ काम था इस वजह से मैं नहीं कर पाई। तो अभी तो मुझे आज टाइम मिला है इसको साफ़ करने का, तो इसलिए मैंने दूसरे दिन ये चक्की साफ़ करी है। तो वैसे तो ना चक्की बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी, क्योंकि ये ना पता है इसलिए गंदी नहीं थी क्योंकि ना मैंने अब की बार ना थोड़े गेहूँ ना मतलब जो गेहूँ पीसे ना वो थोड़े मोटे पीसे हैं, मतलब थोड़ा मोटा आटा पीसा है, इस वजह से ना ये ना ज़्यादा गंदी नहीं हुई। बट अगर जैसे अगर पतला आटा पीसते ना तो ये बहुत गंदी हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? कान छिदवाने। क्यों? मेरी मर्जी। क्यों आपकी मर्जी, कोई नहीं, कान छिदवाने अभी बताएंगे पापा आपको। और ये आपने कही ना थी कान छिदवा ले, मैंने कही थी, मगर जब जी चाहोगे जब छिदवाऊंगा ये छिदवाऊंगा, वो उस्ते करे है पिन पे। उसके भी दर्द हुआ छोटे से। फ्रेंड्स अभी देखा आप लोगों ने राहुल जी को चढ़ा है नया नया चस्का अपने कान छिदवाने का, बट पापा गए उसके पीछे पीछे कि उसे कान नहीं छिदवाने, बोला कान छिदवाए तो आपके कान काट दिए जाएंगे, राहुल जी को ऐसा बोला गया। बट पता नहीं उन्होंने कहा है कि मैं शाम तक अपने आप छिदवा के आ जाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है।